नमस्कार दोस्तों, मेरी ड्यूटी की स्टार्ट होती है सुबह 5 बजे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरी गाड़ी आती है और उसे मैं चेक करके स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद कुछ भी 2 स्टेशन जाने के बाद गाड़ी को मेरा रोक दिया जाता है, क्योंकि पीछे से एक एक्सप्रेस आ रही थी उसे पास किया जाता है। और इसी दौरान मैं सुबह में नाश्ता कर लेता हूँ और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद चलती है और 3 स्टेशन के बाद फिर से रोक दिया जाता है। वहाँ पे मुझे ट्रैकमैन भाई लोग काम करते हुए दिखते हैं। ये लोग ट्रैकमैन हैं जो कि ट्रैक पर मेनली काम करते हैं। इनका मोस्टली काम होता है ट्रैक की देखभाल करना, ट्रैक की मरम्मत करना, पेट्रोलिंग करना। इनका काम बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि ये लोग रनिंग लाइन पर काम करते हैं। उसी ट्रैक पर ट्रेन आती है और कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये लोग अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात या कुछ भी हो, ये लोग हमेशा अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी से करते हैं। इन्हीं भाई लोगों के काम के वजह से हमारी ट्रेन 110 के स्पीड से दौड़ती है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमारी गाड़ी फिर से चलना स्टार्ट कर देती। कुछ दूर जाने के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी हमेशा फील्ड में होती है, जिसके वजह से हर एक मौसम में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो या किसी भी तरह का कोई भी मौसम हो, हमेशा उनको सफ़र करना पड़ता है। ये देखिए, अभी इस साइड से पानी चूरा है, जिसके वजह से बैग रखने के जगह में पानी चू रहा है और जहाँ पे पेपर रखा हुआ है वहाँ भी पानी टपक रहा है। कम से कम ब्रेक वैन को अच्छी तरह से बनाना चाहिए, जो कि कम से कम पानी लीकेज की समस्या ना हो और अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर। रेलवे में गुड्स पीरियड हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है। पानी के छींटों से किसी तरह से बचते बचाते ड्यूटी करना रहता है। देखिए, चारों तरफ भींग गया है, पर्स भी भींग गया है और ये जहाँ पे नहीं भींगा वहाँ पे मैंने अपना सामान रख रखा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कहीं कहीं बूंदाबांदी पड़ रहा है। खैर, इसी तरह से ड्यूटी करना पड़ता है बरसात। जो लोग भी रेलवे में ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं, उनके लिए कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है, उनको भी ऐसी परेशानी हो सकती है, तो पोस्ट प्रिफ्रेंस बहुत ही अच्छे से भरिए। उसमें आप इस तरह का सिचुएशन नहीं झेलना चाहते तो गुड्स गार्ड को लास्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस में SM, TA, CA या तो फिर